नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आखिरकार कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे को गैर गांधी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में चुना गया है। अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में शशि थरूर थे, जिनको शिकस्त मिली है। चलिए मैं बताता हूं कि किन के पाले में कितना वोटिंग हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। हालांकि नतीजों के तुरंत बाद शशि थरूर के चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने इलेक्शन में गड़बड़ी को लेकर के आरोप लगाया है। इसके बावजूद शशि थरूर ने अपने पक्ष में वोट देने वालों के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी और शशि थरूर उनके घर भी गए। बताया जा रहा है कि आजादी के 75 वर्षों बाद दूसरी बार दलित परिवार का कोई कांग्रेस में अध्यक्ष बना है। पहली बार जगजीवन बाबू अध्यक्ष चुने गए थे, जो दलित परिवार से थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित परिवार से हैं और गैर गांधी परिवार के हैं। और अब कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले 1998 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र कुमार थे, जिनको शिकस्त मिली थी। सोनिया गांधी को चुना गया था और 24 वर्षों के बाद इस बार चुनाव हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत हासिल हुई है। और अब नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं तमाम फैसले लेंगे, जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने भी कर दी है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।